नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GSD लवर शुभम पर। अगर आपके पास एक डॉग है और भगवान ना करे वो अगर बीमार पड़ जाए, तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉग का टेम्परेचर कैसे चेक करना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, जब भी डॉग बीमार पड़ता है तो उनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि एकदम सुस्त होकर एक कोने में पड़ा रहेगा, एक्टिविटी करना कम कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा, कभी कभी तो उल्टी डायरिया भी हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण आपको अपने डॉग में दिखाई देते हैं तो दोस्तों आपको उनका बॉडी टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं आपके डॉग में फीवर तो नहीं। अगर फीवर है तो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों नॉर्मल फीवर को तो हम घर पर मेडिसिन देकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर टिक फीवर है तो आपको उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों टिक फीवर डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडली होता है और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा लंबा चलता है। डॉग को टिक फीवर से रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए भगवान ना करे किसी भी डॉग को टिक फीवर हो। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर पर ही एक डिजिटल थर्मामीटर लेकर रखें, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ऐसा थर्मामीटर आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 150 से लेकर 200 रुपये तक आपको ये मिल जाएगा। अब दोस्तों, आपको अपने डॉग का बॉडी टेम्परेचर चेक कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये एक जर्मन शेपर्ड की फीमेल डॉग है, इसने कल से खाना नहीं खाया है और एक ही जगह पर सुस्त पड़ी है। तो चलिए इसका टेम्परेचर चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आपको ये थर्मामीटर का ये जो पारे वाला हिस्सा है उसे अपने डॉग के पोटी वाले जगह पर डालना है, जहाँ से वो पोटी करता है उस जगह पर। अब दोस्तों, ये थर्मामीटर आपको कितने देर तक रखना है, तो इसमें एक इंडिकेटर होता है जो टेम्परेचर चेक होने के बाद बजता है, और ज़्यादातर टेम्परेचर जो है वो फारेनहाइट में लिया जाता है। अब दोस्तों, ये जान लीजिए कि डॉग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। तो डॉग्स का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट से लेकर 102.5 डिग्री फारेनहाइट तक होता है। अगर आपके डॉग का बॉडी टेम्परेचर 100 से लेकर 102.5 फारेनहाइट है तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर आपके डॉग का बॉडी टेम्परेचर 102.5 डिग्री फारेनहाइट से ऊपर है, मतलब ज़्यादा है, तो आपके डॉग को फीवर है। 103 या 104 से ऊपर है तो आपके डॉग को फीवर है। आप पहले दिन घर पर मेडिसिन देकर देखिए, अगर फिर भी फीवर कम नहीं हुआ तो आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। आप देख सकते हो इसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, 101 डिग्री फारेनहाइट है। यह नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अचानक मौसम के बदलने की वजह से कभी कभी डॉग्स बीमार पड़ जाते हैं, खाना सही तरीके से नहीं खाते। और दोस्तों, ये हमारे एक तरीके से फैमिली मेम्बर ही है, तो इनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी होती है। जब भी ये बीमार पड़ते हैं या इन्हें फीवर आता है तो हमें घर पर ही इनका बॉडी टेम्परेचर चेक करना आना चाहिए, क्योंकि हम इनके टेम्परेचर से आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा डॉग कहीं ज़्यादा बीमार तो नहीं है। अगर बीमार पड़ जाए तो हम उसकी बेटर ट्रीटमेंट करा सके। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।